वीके न्यूज़ राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़, मैं हूं सुनील राउत और वक्त हो चला है सवाल नेताजी सेगमेंट का। गोरखपुर से आज जो हमारे खास मेहमान इस शो में, वो गोरखपुर से आते हैं। पेशे से इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डॉक्टर रहे हैं, पहले बहन मायावती की पार्टी के सदस्य रहे, फिर 2016 में इन्होंने अपनी पार्टी बना ली। इन्होंने अपने समाज से जुड़ी 13 किताबें भी लिखी हैं और इसीलिए इन्हें पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन भी कहा जाता है। इनकी ताकत सूबे की सियासत में कितनी है, आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इन्होंने गोरखपीठ के महंत और उनकी कब्जे वाली 40 साल से जिस सीट पर उनका कब्जा था, उस सीट पर इनके बेटे ने चुनावी मैदान में ताल ठोकी और वहां से विजय हासिल की, जीत हासिल की। उसी के बाद इनकी इस सीट पर जो है दावेदारी हुई और इनकी ताकत का अंदाजा हुआ। वही आज हमारे खास मेहमान है। जी हां, आप सही समझ रहे हैं, निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज में। बहुत बहुत बधाई आपके चैनल को जी, जो हमारे मुद्दे को, हमारी सोच को, हमारी विचारधारा को, नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए जी, जिनकी दो दिन की रोटी छीनी गए, कपड़े मकान छीने गए हो, उनके शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार छीने गए हो, उनके साथ अन्याय हुआ हो, धोखेबाजी हुआ, उनकी एक आवाज बनी निषाद पार्टी, उस आवाज को आप बुलंद कर रहे हैं और तुम्हें हमें पहुंचा रहे, उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और पहला सवाल आपसे तो यही है निषाद जी कि चुनाव का चूंकि समय है और चुनावी रण में आप भारतीय जनता पार्टी के साथ मैदान में हैं, एनडीए के घटक दल है आप और ताल ठोकी आपने, क्या बातचीत पूरी हो गई है? कितनी सीटों पर निषाद पार्टी जो है वो चुनाव लड़ रही है? संजय जी, 2019 से भारतीय जनता पार्टी के साथ आया, क्योंकि 2014 से मैं राजनीति शुरू किया। देखा होगा कि 17 फरवरी 2014 में आंदोलन किया था, शायद कांग्रेस और जो बसपा है वो साफ हो गई और सपा हाफ हो गई, भाजपा माफ हो गई। 2017 में कांग्रेस और सपा एक साथ हुई, हम चुनाव लड़ गए, एक बेहतर रिजल्ट। 2019 में सपा बसपा हो गई, फिर भी मोदी साफ करे रहे, बहुत बड़ा ऐतिहासिक जीत हुआ। आज के दिन में हम लोग जीत रहे हैं और 2 साल से भारतीय जनता पार्टी साथ हूँ और कोरोना काल 1.5 साल खत्म हो गया, फिर उसके बाद समय चुनाव में रहे। आज भारतीय जनता पार्टी की जो बातें हुई थी, जो हमारे कार्यकर्ता काम रहा तैयारी किए थे, समीकरण थे, उन जगहों को भारतीय जनता पार्टी को देने में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को कुछ सीटों का पेट है, कुछ सीटें जरूर है जिस पर प्रचार चर्चा चल रही है, क्योंकि अपेक्षाएं पार्टी की कार्यकर्ताओं की बहुत होती है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं होती है, ऐसे जगहों पर दोनों को सामंजस्य मिलाने की चर्चाएं होती है और जो जल्दी एक दो चर्चाओं में उसको उम्मीद हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब कितनी सीटों पर लड़ेंगे अभी कोई उस पर मुहर नहीं लगी है? और एक सवाल और संजय जी, क्या आप अपने ही सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे या भारतीय जनता पार्टी के चुनाव पर सिंबल लड़ेगी? देखिए, जब इसकी सोच अलग अलग होती है, अलग अलग बात करता है। हम लोग 403 लड़ रहे हैं और जिसमें से 305 जीतने का लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं, इसमें अलग अलग कोई मामला नहीं है। और राहुल की अपने सिंबल पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता तैयारी किए हैं वो अपने भोजन भरी थाली से चुनाव चिन्ह से लड़ेंगे। 2-4 सीटें ऐसी है जहाँ टेक्निकल है, कार्यकर्ता हमारा मजबूत है, लेकिन वहाँ कमल चुनाव चिन्ह से जीत सुनिश्चित हो सकती है। ऐसी सीटों पर 2-4 लोग हमारे कमल चुनाव चिन्ह से जीत सकते हैं। वहाँ चुनाव चिन्ह का प्रमाण है, जीत का प्रमाण है, 2022 की सरकार बनाने का मामला है और 300 पद करने का मामला तय हो। अच्छा, चलिए, मतलब कोई बंदिश नहीं है कि इतनी सीटें मिलेंगी तभी वो हो पाएगा और जितनी सीटें दे देंगे उतने पर आप चुनाव लड़ेंगे। मेन ये है कि चुनाव जीतना चाहिए भारतीय जनता पार्टी ने। देखिए, मेरे पार्टी का एक सपना है, हम लोगों के कार्यकर्ताओं के, हम लोगों का, कि जिनकी हम लोगों के जो सताए गए, जो संविधान में मिला हुआ हिस्सा है, जो उन्हें शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार मिले, सुरक्षा न्याय मिले, ये हम लोगों के सपने हैं। उसको साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से बात हुई है और भारतीय जनता पार्टी बिना भेदभाव के काम करती है, इसलिए पूरी उम्मीद है कि जब राज्य में केंद्र की सरकार होती है, राज्य में जब हम बनाएंगे तो हम लोग किंग मेकर की भूमिका में जब नजर आएंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप जो बच्चे कुछ लोग हैं, जो बाकी लोग हैं, उनकी भी समस्याओं का समाधान करने में हम लोग कामयाब हो जाएंगे। होगा करते हैं
बेहतर ही होगा, लेकिन आपके विपक्षी दल जो है वो आप पर यह आरोप लगाते रहते हैं कि भैया भारतीय जनता पार्टी के साथ तो आप चले गए, लेकिन एक वक्त ऐसा था कि इसी भारतीय जनता पार्टी को आप कोसा करते थे और कहते थे कि जब तक आरक्षण के सवाल पर बात नहीं बनेगी, जब तक मानेगी नहीं पार्टी, तब तक हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन वो आपकी मांग मानी नहीं, फिर भी आप उधर चले गए। देखिए मैं तो सभी पार्टियों को कोसता रहा हूँ, देश हमने आजाद करा 577 जातियों ने, कानून बनाकर अंग्रेजों ने उजाड़ा और कानून बनाकर देश का संविधान बना, संविधान में हमें भगवान द्वारा लिखा गया है, संविधान में हमें आरक्षण मिला हुआ है, कांग्रेस ने हमें बर्बाद कर दिया, मेरी फाइल काट करा दिया, पप्पा ने गुमराह किया कि संविधान से कोसों दूर कर दिया, भगवान काट कर दिया, हम आरक्षण के मुद्दे पर अपनी मांग को रेल पर रख रहे थे, गोली चलवा दिया, गुर्जर आंदोलन एक महीने चला, घंटा नहीं बजा, हम जो एक घंटे के अंदर सरकार पूरी करवा दी, आज के दिन में आरक्षण के मुद्दे का विरोधी तो कांग्रेस है, आरक्षण के मुद्दे का विरोधी तो समाजवादी पार्टी, आरक्षण के विरोधी तो सपा जो हमारा इससे ले लेती है, आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी इतनी सरकारों ने आरक्षण के मुद्दे को उल्टा कलम चलाया, हमारे आरक्षण पर हमेशा पिछड़े में नहीं है, अनुसूचित में है, बहन भी इससे ले लेती थी, 30 साल से हमारी नौकरियों पर डकैती पड़ी है, हमारे लोग किसी भी विभाग में जाते हैं एक प्रार्थी खोजते हैं जिसमें बाबू मिल जाए, हम अधिकारी दरोगा पीओ मुख्यालय बीडीओ तहसीलदार मुख्यालय, वो लोग जानते हैं भाई साइकिल दबाने से साइकिल की माँ के कोख से हाथी पैदा हो गए, हमारे माँ के कोख से मजदूर मजबूर पैदा हो गए, भैया टाइम के साथ रहेंगे, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं इसलिए हूँ कि केंद्र मंत्री सरकार है, पिछली सरकारें गलत थी, उल्टा कलम चलाई, वर्तमान सरकार कर रहे हैं गलत कर रहा हूँ, कलम चल रहा है, जैसे भी कह सकते कि हमारे मुझसे हम नहीं हो रहे, जब उस दिन जो रैली में हमारे लोग गुस्से में है, गुस्सा लाजमी है, जब बच्चा रोता तभी पाता है, उस दिन अधिकारी पतरे गए, अधिकारी बदमाश है, ये फाइल को गुमराह करते एक महीने से फंसा रखा था, कैसे हो जाएगा, रात में जब पतरे गए अधिकारी हटाया गया, अब फिर उससे लिखा उत्तर प्रदेश सरकार ने भाई मजवार की स्थिति में है, वो आरबीआई तय करे, डॉक्टर संजय कह रहे हैं ये अनुसूचित जात के हकदार है, उसमें केवल मल्ला और आवासीय जातियां हैं, और हमारी गिनती 17,19,19 मार दिया कलम से मारते मारते, तो आज के दिन वो लेकर कतर आया, माननीय अमित शाह जी ने कुछ संज्ञान लिया, आरबीआई के डायरेक्टर को जो आरबीआई का डायरेक्टर सेंट्रल ऑफ इंडिया का है उसे बुलाया, 4 बार बैठक कराया और आरबीआई के डायरेक्टर ने एक्सेप्ट किया कि मैं डॉक्टर संजय के साथ उनके समुदाय के साथ धोखेबाजी हुई है, ये अनुसूचित जात के अधिकार है, हमारे यहाँ इंदौर है केवट मल्ला, लेकिन हमारा काम है गिनती कराना, मेरा काम है कि नोडल अधिकारी जो क्या पालन करना, सामाजिक न्याय मंत्रालय जो है इसका जिम्मेदार अधिकारी है, उसने सामाजिक की केवट मल्ला माजी मजावी राजभवन को मधवार मधवार की प्रवासी जातियां मेरे वहां लिखा हुआ है, और ये अनुसूचित जात कौन होगा, पिछड़ा कौन होगा, उनको न्याय दिलाने का काम सामाजिक न्याय मंत्रालय को, तो आज के दिन में 70 साल से हम लोग सताए गए, सब उलझाया गया, मामला कभी सुलझाया नहीं गया, अब हमने रुकाऊ टिकाऊ नहीं टिकाऊ आरक्षण चाहिए, जिससे अमित शाह जी ने कुछ संज्ञान में लिया और उसे आगे बढ़ा रहे हैं, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, ये आरोप लगाना कि मुद्दे नहीं माने, मुद्दा हमारा हमारा कोई मान ही नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा था, हमारा हमारे जो मुद्दे हैं उनके एजेंडे वो लागू करे, आज भारत 370 लागू हुआ, राम मंदिर बन गया, मेरे समाज के उम्मीदवार डॉक्टर संजय ने प्रमाणिक दस्तावेज प्रस्ताव किए हैं, हम डॉक्टर संजय लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमारा समर्थन दिला देंगे, मैं उसका वकील हूँ, वो कलम चलते रहूंगा, समय आने पर मैं जल्द ही बन सकता हूँ, अपनी कलम चली दे सकता हूँ, और ऐसे अधिकारी कर्मचारी जो इनको न्याय बर्बाद किया है, इनके खिलाफ अन्याय किया है, उनको सजा भी दिलाने का काम डॉक्टर संजय करा, ठीक है ठीक है, आपने जिक्र किया राम मंदिर का जिक्र किया, उस पर मैं आगे सवाल आपसे पूछूंगा, लेकिन आपने कहा कि दंगे कराने वाली पार्टी, गोली चलवाने वाली पार्टी, लेकिन ये तो आरोप संजय जी आप पर भी रहे हैं, 2015 आपको याद ही होगा, रेलवे ट्रैक पर आपने भीड़ जमा करवाई, गोलियां आगजनी की, दंगे वहां पर हुए, खूब किस तरह की अराजकता की गई, तो ये आरोप पर तो आप पर भी रहे हैं संजय जी। अरे मेरे लोग सीधे साधे लोग हैं, खाली हाथ वाले तभी तो सताए जा रहे हैं, आज दिन में कलम में पावर होता तो कोई गोली नहीं मारता, आज के दिन में एक महीने रेल ट्रैक रेल रोका गया था, वहाँ भी राजस्थान में एक घंटा नहीं बजा और हम लोग रेल पर बैठ गए, 1 घंटे में गोली मार दी गई, 300 लोग मंजिम हो गए, हम लोग आज के दिन में कोर्ट में 156 दिन दाखिल कर दिया और वहाँ कोर्ट ने न्यायालय ने आदेश कर दिया कि पुलिस की गोली से मरा हमारा भाई जो है, तो कौन करा रहा है, गाड़ी कौन फुटवाया है, मेरे पास है सरकार
जिम्मेदार सरकार अगर पुलिस गोली चलाती है, जब अगर सरकार होती है पुलिस दंगा चलाती है, फूंकती है, तो मेरी गाड़ी साफ फूंकी गई, हम लोगों को 35 लोगों को जेल में बंद किया गया, इतनी पिटाई की गई थी हमारे कार्यकर्ताओं को कि शरीर में एक जगह नहीं था जहाँ कारा न हो। आज 7 महीने जंगलों में रहे हैं, 302 का फर्जी मुकदमा लगा हुआ, अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस से चली है, तो फर्जी कौन है? दंगा कौन? आज के दिन में हिंदू मुसलमान दंगे नहीं हो रहा, 2 साल से राइट नहीं हो रहा है। आप पढ़ लीजिए कैराना में किस तरह सत्य दिया गया था कि सत्य दो अभी पुलिस मत भेजना, ये तो चार दिन कोर्ट में आ गया ना। हम क्या अगर मंदिर वहां मंदिर बनाने गए थे गोली कौन करवा रहा था? आज के दिन में वही मंदिर बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं? तो कहते हैं भैया हम तो भी दर्शन करना है, इसके मतलब मंदिर बनना अनिवार्य है, भारत की संस्कृति जोड़ने के लिए 5 कानून नहीं बनाया। आज के दिन में गाँव का यादव भी बड़ा बीमार है, गाँव का दलित भी दलदल में है, क्योंकि वही 1000 परिवार रहते हैं, वो जन्म मन्म हीरो हो गए और गाँव की जनता हीरो हो गई, इससे गाँव की जनता जाग गई है। 2014 से इन लोगों की हड्डी भैया दूरी बनाओ, 2014 में साफ हो गए, अब 2017 में हो गए, 2019 में हो गए, 2022 में फिर मोदी जी आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं, एनडीए की सरकार बन रही है, जहां मिसाल रास्ता के चुनाव है ना उसे डूबने नहीं देता है। हम लोगों ने सबको दिया था, हमारे इतिहास में था, अपने तो पार हो गए, हमारे लोगों को मजदार में कर दिया था। मैं मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि कृषि मंत्रालय करा दिया, हमारे लोगों को बीमा फ्री करा दिया, मिसाल राज के किले को पर्यटक स्थल घोषित करा दिया, राम और मिसाल राज के गले कुर्सी लगा रहा। तो आज के जो हमारी संस्कृति को कहते हैं कि हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मोमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स, अगर मेरे इतिहास को कोई आगे बढ़ा रहा है, मेरे आंदोलन को कोई आगे उसका संज्ञान ले रहा है, तो मैं तो मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि कम से कम उनको संज्ञान मिली। आज के दिन में दिल्ली की जो दिल्ली दरबार है, अगर आज के दिन में पूरे देश की सत्ता जिसके हाथ में है, मेरे जैसे छोटे नेता को जो सांसद करके 3 साल के अंदर राजनीति शुरू किए हैं और 3 साल के अंदर मेरे दर्द को सुनने के लिए मोदी जी बुलाते हैं, योगी जी बुलाते हैं, आज के दिन में किसी ने मुख्यमंत्री ने कभी दर्द नहीं सुना होगा, कोई मंत्री नहीं सुना होगा पिछली सरकारों का। मैं तो आज के दिन में धन्यवाद दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को सबका सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ हमको गले लगाई है, जो कुछ रहेगा हम लोग मिलजुल के 2022 को सरकार बनाएंगे और आगे हम लोगों को उनके हिस्से दरवाजे तक पहुंचाएंगे। ठीक है, ठीक है। आप बार बार राम मंदिर का जिक्र कर रहे हैं, श्रीराम का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नैया आप ही पार लगाएंगे, क्योंकि निषाद राज ने श्रीराम की नैया पार लगाई थी। लेकिन श्रीराम से मुझे याद आया कि राम जी के ऊपर दिया गया आपका बयान बड़ा चर्चा में आया था। और राम जब अयोध्या से निकाले गए थे, हाँ, तो निषाद राज ने अपनी सेना दी थी श्रीलंका पर विजय प्राप्त हुआ था। हाँ, राम जब निषाद राज के कैबिनेट में आए थे, निषाद राज राम की कैबिनेट में आए थे, तब राम राजा था। हाँ, मैं वही चीज चाहता हूँ। नहीं नहीं, ठीक है संजय जी, लेकिन मैं वही चाह रहा था, जो ज्ञान था उसे तोड़ मरोड़। मैं ये चाह रहा था कि मुगलों के द्वारा जो हमारी भारतीय संस्कृति के दौरान में छेड़छाड़ किया है उसे बदला जाना चाहिए। अच्छा। और जो कहा गया उसको साफ किया, आगे वाली बात छाट दिया, तो मैं इसमें खंडन भी किया था, तो उसको इसमें जोड़ा नहीं जाना चाहिए। मैं राम और निषाद राज के जो संयुक्त मिलन के शांति मिलन को मैं फिर से स्थापित करने की बात करता हूँ और उससे काम भी कर रहा हूँ। अच्छा, तो मतलब ये उस बयान का आप खंडन करते हैं और आपने नहीं दिया था, ये कह रहे कि आपके बयान को गलत कोट किया गया। ठीक है, लेकिन एक आरोप आपके आलोचक ये भी लगाते हैं संजय जी आपके ऊपर कि ठीक है, आपको पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन कहा जाता है, आपने अपने निषादों की बात की, मल्लाहों की बात की, जो आपके समुदाय के लोग हैं उनके ऊपर आपने किताबें लिखी, लेकिन कहा यह जाता है कि बात तो आप समुदाय और समाज की करते हैं लेकिन भला सिर्फ आप अपना चाहते हैं, और इसीलिए जो टिकट भी दब देते हैं तो टिकट का भी आप दाम लगाते हैं, इस तरह के भी आरोप आपके ऊपर लगते हैं। आपके एक विधायक ने ही आपके ऊपर आरोप लगाया था ऐसा। देखिए, जिसकी दुकानें बंद होती हैं जी, और जिनके जिनके पास कोई मुद्दे नहीं होते हैं जी, जो 70 साल से मेरे समाज को गुमराह कर करके उनका रोटी से की है, ऐसे लोग जब मैं आया हूँ इस समुदाय को इकट्ठा किया हूँ, रोड पर पिला पिला के और पिलवा देते,
और झगड़ा भरोस तो हमने पार्टी करने भी लगा दिया, इन्हें पोलिटिकली ट्रेंड कर दिया। अगर पोलिटिकली ट्रेंड हो गए तो उनकी जो है रोजी रोटी बंद हो गई, उसे मचाए रहते हैं। आज भी मैं चाहता हूँ हम मतलब हमारा परिवार, मतलब मेरी कार्यकर्ता, मतलब मेरा समाज, आज भी उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, उनके लिए जेल गया हूँ, और उन लोगों ने भाड़े के नहीं अखाड़े के पहलवान पर भरोसा किया है, भाड़े के पहलवान को हमने बर्बाद कर दिया, अखाड़े के पहलवान मेरे साथ से नहीं कैडर थे, लीडर बीजेपी मेरे पास कैडर है, भारतीय जनता पार्टी के पास कैडर है, किसान पार्टी के पास कैडर है, दोनों कैडर मिलकर 2022 में सरकार बनाएगा और बीजेपी का इतिहास रच जाएगा। जो लोग आरोप लगाने वाले हैं वो वही लोग हैं जैसे कहते वाल्मीकि चोर है, चोर है, और पता चला लगाने वाले चोर भी चल गए, पता नहीं चलता, और वाल्मीकि जी दुनिया में महापुरुष पूजे गए। ऐसे ही डॉक्टर देशों के लोग मिलकर हमें जो आए थे पोलिटिकल गार्ड फादर ऑफ रिटायरमेंट की पार्टी थी, आज के दिन में हम 13 किताबें लिखे हैं, प्रमाणिक दस्तावेज इकट्ठे किए हैं, और राज्यपाल ने उस हमारे 29 कार्यों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने हमें मनोनीत किया गया। 70 साल से 18% आबादी, 19% आबादी मुसलमान की, उनके दर्जनों एमएलसी थे, दर्जनों को लोग राज्यसभा भेजे जाते थे। आज के दिन में निषाद के बेटे 18 साल से वोट देते रहे सर, तो किसी को राज्यसभा भेजा, किसी को एमएलसी बनाया, किसी को उन्होंने गले लगाया, कभी इनको बुलाकर इनकी समस्याओं के लिए सुना। आज अपनी हमारी समस्याओं को उठाने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने वकील बना रखा डॉक्टर संजय को। मेरे साथ जो मेरे परिवार के लोग हैं वो संघर्षों के साथ ही है, मेरे साथ मेरी बीवी, मेरे बेटी, मेरी बहने, मेरा बेटे, सभी लोग आंदोलन पर रेल पर बैठते हैं, साथ में चलते 24 घंटे काम करते हैं। तो जो अनुभवी वकील होता है उसको लोग अपने मुकदमे को हल करने के लिए अदालत में भेजते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, संजय जी आपने जी अगले बार दर्जनों लोग लड़ेंगे, दर्जनों मंत्री बनेंगे, काहे परेशान है। ठीक ठीक, आपने मुकदमे की बात की, अभी गोंडा में आपके ऊपर एक मुकदमा दर्ज कर दिया गया, क्या मामला है? हम कहते अभी तो हमें कोई जानकारी नहीं है, जानकारी होगा जी। कुछ चुनाव चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला, मैंने कहा सरकार भी आज जो जिसमें लड़ रहा है, आपकी सत्ता आपकी है, सरकार आपकी, और आप ही के मुकदमा दर्ज हो जाए। मैं तो अभी गोंडा गए नहीं जब आचार संहिता लगा जी, संदेह होगा जी 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 जी। अच्छा चलिए, निषाद राज जो थे उन्होंने भगवान राम को इस पार से उस पार लगाया था, और आप भी कह रहे कि आपको पूरी उम्मीद है कि आप भारतीय जनता पार्टी जो राम की बात करते हैं उनको आप उस पार लगाएंगे, लेकिन बाकी विपक्षी दल जो है अखिलेश है या बाकी लोग ये कह रहे कि इस बार मामला गड़बड़ है। तो 2014 में भी कह रहे थे, 2017 में भी कह रहे थे, 2019 में भी कह रहे थे, तो ये कहने वाले तो लगातार उनकी आदत है कहने के लिए। हम तो करके दिखाते हैं ना, हम कहते हैं सपा बसपा का बड़ा गठबंधन था 2019 में। नहीं नहीं, वो संजय जी ये कहते हैं कि आप नाविक तो है, लेकिन निषाद राज ने जो है वो पार लगाया था, लेकिन आप क्या करते हैं कि आप नाव पे किसी को, जैसे आपने साइकिल पे आप बैठे और जैसे ही आपने नाव पार लगाई उसके बाद उनको मझधार में छोड़ देते हैं, आप पार लग जाते फिर दूसरों को मझधार में छोड़ देते हैं, ये वो कहते हैं कि हमारी साइकिल पे बैठ के वो सांसद बन गए और फिर हमको छोड़ दिया। वो क्या आरोप गलत है, 2017 में लोग मर गए थे, अमिता मोदी जी योगी की गायब हो गए थे, किसी सत्ता खराब हो गई थी, सपा में डॉक्टर संजय के साथ नजदीक आए, उन लोगों ने अपनी गलती स्वीकार की कि हम लोग पांच बार सरकार से भेदभाव हुआ था। मैं लोगों को सपा बसपा पीस पार्टी विकास पार्टी चार पार्टियों के सांसद थे, अगर एक पार्टी की बात करते सपा से तो उससे पहले क्यों नहीं सांसद बना लिया, 2019 में निषाद आए थे जब मैं हट गया क्यों नहीं सांसद बना लिया, यही तो उनकी उन लोगों की धोखेबाजी है। नाम सबसे लेते हैं, नाम अपना चलते हैं, वोट सबसे लेते हैं, काम अपने लोगों को, 5 साल कोई नहीं दिखाए, 5 साल जब 5 दिन रह जाएगा इलेक्शन का 5 महीना तो सब दिखाई देंगे, सारी जातियों के वो सबसे बड़े रहनुमा बन जाएंगे, जस्ती मिलते ही चश्मा नंबर बदल जाता है, केवल उनके लोग दिखाई देते हैं, कोई विभाग कोई ऐसा नहीं होगा जहाँ वो लोग न दिखाई दे, बाकी जातियां भूल जाती है। तो आज के दिन लोग चार पार्टियों के सांसद इंजीनियर पवन निषाद थे, इसलिए एक किया था अपनी आदत के मुताबिक, फिर एक साल हम लोग साथ थे, 2019 में सपा बसपा फिर अपना मर्दरबान कर लिया, फिर हम लोगों को छोड़ दिया इस पार्टी डॉक्टर संजय को, वो तो मोदी को धन्यवाद उनका गले भी लगाए, आज के दिन हमारी बात सुना, आज के दिन में हम कहते हैं इनकी गलत नीतियों गलत सोच के नाते
ये नेता है लेकिन उनकी इंटरेस्ट सही नहीं है, इसीलिए कोई नीत सही नहीं बनाया, नीत बनाया तो केवल अपने लोगों के लिए बनाया। आज के लिए हम ही क्यों नहीं छोड़िए, आज जनता पूरे उत्तर प्रदेश के लोग इन लोगों को हटा के भी इनसे दूरी बना दूरी बना दूरी बना दूरी, 2022 में भी दूरी बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार। ठीक है निशा जी, अंतिम सवाल आपका आपसे ये है कि वास्को डिगामा और कोलंबस से आपका क्या संबंध है, क्योंकि आपके पार्टी मुख्यालय में इनकी तस्वीरें लगी हुई है, क्या संबंध है इनसे? निश्चित रूप से जब इस देश में देखिए ये सोने की चिड़िया था भारत, इस देश में दुनिया से गुरुओं का देश कहा जाता है, दुनिया के लोग इस देश में कमाने आते थे, लुटेरे भी इस देश में, पहले नदी नहीं था, पहले हाईवे नहीं था, जहाज नहीं था, तो हमारे पुरखों के पास समुद्री जहाज था, आज अंडानी के पास जहाज है तो पहले मेरे पुरखों के पास जहाज था, ये आए थे इस देश में शिक्षा लेने, इस देश में कमाने आए थे, लेकिन धोखे से लुटेरा निकले, लूट के लेके जाने लगे, लेकिन जब हमारे लोगों को संज्ञान में आया कि लुटेरे हम रहे तो उनको मार मार के काट काट के नदी में डुबा दिया, और जो हमारे लोगों ने जिसकी खोज की हो और इस देश को राष्ट्रवाद के लिए अंग्रेजों को मुगलों को मार कर भगाया हो उनकी तो तस्वीर हमें लगानी पड़ेगी ना। अगर आज के दिन में 2-3 बार जल है और जल पर शासन करने वाले उन्हीं अफसर नी मतलब होता है, नीर जल होता है, शासन मतलब शासन करने वाला, जल पर शासन करने वाला उसे विकास कहते हैं। 2-3 भाग में अगर जल है और हमारे तो खोज खोज के कांग्रेस कहाँ था वो लोग खोजे हैं, तो नारी जी तो खोजे हैं, आज आज नहीं तो उस समय था तो उनका तो याद करना पड़ेगा। आज मैं श्रीलंका गया था, वहाँ श्रीलंका देखा कि कोई ऐसा मंदिर नहीं था बुद्ध की तस्वीर के नीचे नाव रखा हो, उसका क्यों ना है, चाहे भारत की जो संस्कृति थी श्रीलंका के लोग एक वो सभ्यता का विकास नहीं हुआ था, भारत के लोग आए तो आई संस्कृति आई, वो आई संस्कृति थी, आज के दिन में श्रीलंका के लोग बहुत सुंदर है, तो आज के दिन में न्याय की पूजा हो रही है कि इस लोग आज की दुनिया में हम लोग जो आदान प्रदान किए ज्ञान था उसमें इन नौतों का इतिहास रहा, इसलिए उनका तस्वीर हमारे ऑफिस में लगा है, अगर कुछ कुछ याद करने के लिए लगा हुआ है, उनको उनसे प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा लेने के लिए कुछ लोग चाहते हैं, किसी को कोई दिक्कत हो तो संघर्ष आगे करने अगर भारतीय जनता पार्टी फिर सत्ता में आती है, सीएम योगी जी मुख्यमंत्री फिर बनते हैं, तो निषाद समाज के लोग जो है आपको किस रूप में देखे, क्या डिप्टी सीएम वगैरह पे कोई बात हुई है, कहा बहुत मांग हुई थी कि डिप्टी सीएम आपको बनाना चाहिए फिर अगर अगली बार सरकार बनती है तो? समाज का सुझाव जी, हमारे समाज के भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री बना सकती है, साधारण कार्यकर्ता मंत्री भी बना सकती है, दर्जनों पिछड़े पिछड़े वर्ग के नेता मुख्यमंत्री है, कई तो हम कहते हैं साथ के बेटे को कुछ भी बना सकती है, लेकिन हम लोगों को कोई सद प्रतिष्ठा नहीं है, हम लोगों की एक ही सोच है, एक ही सपने है, उनकी जो उनकी रोटी कपड़े मकान जो छीने गए वो वापस हो जाए, इनके संविधान में मिला हुआ मान सम्मान साधन वापस हो जाए, इनको फिर से शिक्षा प्राप्त हो जाए मिले, इनको फिर विकास की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए कोई कानून बने, ये हम लोगों के सपने हैं, ये सपना पूरा करने के चलिए और यही उनसे वादा भी हुआ कि इसको हम जरूर। ठीक है निशा जी, संजय निशा जी बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं आपको, आप चुनाव में सफलता अर्जित करें, वीके न्यूज़ की यही शुभकामनाएं, जो आपकी आशाएं अपेक्षाएं आकांक्षाएं हैं वो सारी पूरी हो। और ये संजय निषाद थे, निषाद पार्टी, वैसे निषाद पार्टी ये फुल नेम नहीं है इनकी, ये शॉर्ट नेम है, इनकी पार्टी का पूरा नाम है निर्बल इंडियन शोषित हमारा अपना दल, लेकिन चूंकि ये बहुत बड़ा है तो इन्होंने ये शॉर्ट में इसको निषाद कह के पुकारते हैं। और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी हमारे साथ थे, उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए और कहा कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। आज सवाल नेताजी से मैं बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ, आप देखते रहिए वीके न्यूज़, नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।